कैनेडा के वातावरण विभाग ने मौसम नाल जुड़ियां 12 चेतावनियां जारी कीतियां ने। विभाग का कहना है कि शनिवार नूं होर एटमोसफेरिक रिवर की उम्मीद की जा सकती है। एटमोसफेरिक रिवर वह हुंदी है जो आसमान दे विच नदी की तरह हवा रूप धार लैंदी है, जिस दरमियान मीह ते हनेरी आउंदा है। ते मैट्रो वैनकूवर, वैनकूवर आइलैंड, फ्रेजर वैली के खेत्र भी शामिल ने, जिस वास्ते तूफान की चेतावनी दिती गई है, जिस दे नाल उस खेत्र दे विच लगातार मीह पैंदा है। जिथे एटमोसफेरिक रिवर बनी हुई होवे ते तापमान उत्थे हेठां डिग जांदा है। ब्रिटिश कोलंबिया के सेंट्रल ते साउथ कोस्ट ते वैनकूवर आइलैंड के उत्ते शनिवार की सवेर तो लैके ऐतवार की सवेर तक लगातार मीह पवेगा। इस सीजन विच यह दूजा वड्डा तूफान होवेगा। कई थावां दे उत्ते ऐतवार की रात तक भारी मीह पै सकदा है ते सोमवार तक जारी रहेगा। पर हैलोवीन यानी कि अक्तूबर 31 की रात तो पहला मैट्रो वैनकूवर ते वैनकूवर आइलैंड के खेत्र विच मीह रुक सकदा है। तूफान फ्रेजर वैली खेत्र विच आउण दी चेतावनी भी दित्ती गई है। इस तूफान का असर वीरवार नूं भी देखण नूं मिलिया, जदों कई थावां दे उत्ते बिजली दीआं तारां भी डिग गईआं। बीसी हाइड्रो दा कहना सी कि 1 लाख तों वध ग्राहक उन्हां दे प्रभावित होए ने तारां डिगण दे करके, ते कई हज़ार ग्राहक शुक्रवार दी सवेर नूं वी अजिहे सन जिहड़े कि बिजली वापस आउण दी उडीक कर रहे सन। जो है चेतावनी जारी की गई है वह वैनकूवर आइलैंड, सेंट्रल कोस्ट, फ्रेजर वैली, मैट्रो वैनकूवर, सनशाइन कोस्ट, साउदर्न गल्फ आइलैंड्स, होप साउंड ते विसलर दे खेतरां दे विच लागू हुंदी है।